हेलो डियर स्टूडेंट्स सो आज हम आपके लिए लेकर आए आपके एम एस टी सी टी एमसी का मॉक टेस्ट फोर्टीन का वीडियो सोल्यूशन बस ये एक टेस्ट और इसके बाद और एक टेस्ट बचा है और उसके बाद आई होप कि आप पी सी बी का जो सीएटी एग्जाम है वो देने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे देखो बायोलॉजी के पंद्रह मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस हर एक मॉक टेस्ट में रिपीट हुए हैं मतलब एक या दो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो हर एक मॉक टेस्ट में रिपीट हुए हैं तो so, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं एंड आई विल रिकमेंड यू ओनली वन थिंग अगर आप ये पूरे के पूरे पंद्रह मॉक टेस्ट ऑनेस्टली ऑनेस्टली रिवाइज करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके सीई के स्कोर बहुत 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 अच्छे आएंगे और कंटिन्यूस वन शॉर्ट सीरीज और कंटिन्यूस आप टेक्स्ट बुक रिविजन चालू रखो ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स डू यू रिमेंबर डू यू नो वाले बॉक्सेस पढ़ो साइंटिस्ट के नेम रिविजन करो तो आपकी तैयारी जो बची कुची है वो भी कंप्लीट हो जाएगी चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आज के सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच हॉर्मोन एक्ट ऑन सरटोली सेल्स एंड स्टिम्यूलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस देखो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है आपका जो स्पर्म डेवलपमेंट होता है हमारा जो स्पर्म डेवलपमेंट होता है यानी कि अपने पास प्रिमोडियल जर्मिनल सेल है पहले ये ग्रोथ फेज दिखाता है सॉरी पहले ये मल्टीप्लिकेशन फेज दिखाता है तो मल्टीप्लिकेशन फेज में हमको क्या देखने को मिलता है मल्टीप्लिकेशन फेज में एक से बहुत सारे आपको ऐसे स्पर्मेटो देखने को मिलेंगे क्या देखने को मिलेंगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे फिर ये इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके ग्रो होगा यानी कि बड़ा होगा तो इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोसाइट। क्या हमको मिलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमको मिलते हैं हमारे स्पर्मेटिड्स क्या मिलते हैं हमको हमारे अब ये जो स्पर्मेटिड्स हमको मिले दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ठीक है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये हैं हमारे स्पर्मेटिड्स तो अब ये स्पर्माटेड्स कंप्लीटली मेच्योर नहीं है अब ये स्पर्मेटेड्स जो है ये स्पर्मियोजेनेसिस करना स्टार्ट करेंगे यानी कि इन स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस इन स्पर्मेटिड्स का क्या होगा टेल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा इनका गोल्जी अपेरेटस रिप्लेस होकर एक्रोसोम बन जाएगा इनके न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स रीअरेंज हो जाएंगे सो तो स्पर्मेट्स में क्या होता है आपके बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा लेयर्स बनती हैं एक्स्ट्रा टेल ग्रो होता है तो ये सब किसके वजह से होता है एक्स्ट्रा सेल्स के वजह से

तो उस वीक पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी नेचुर नेचुरली जो एंटीबॉडी बनाती है

यस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव अक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ओके ऑल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेचुरल फंक्शन क्या होता है हमारे फॉरन डी एन ए को कट करना और रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में हेल्प करना एग्जॉन्स हम रिमूव नहीं करते हम इंट्रॉन्स रिमूव करते हैं स्प्लाइसिंग यूज करके सो so, स्प्लाइसिंग के टाइम पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं जरूरत पड़ती है ओके okay, ये एग्जॉन्स तो हमको रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आर एन ए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए पॉलीमरेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है सो ओनली ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर एन अनफर्टिलाइज ह्यूमन एग कंटेन्स देखो एक अनफर्टिलाइज ह्यूमन एग है ह्यूमन का एग एग बोला मतलब फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट के पास कौन से क्रोमोजोम होते हैं फीमेल गैमेट का डिप्लॉइड क्रोमोजोम होगा तो डबल एक्स रहेगा और अगर इसका एक हेप्लॉइड एक सिंगल एग की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही एक्स रहेगा क्योंकि ये एग है एग यानी कि फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट के पास सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है तो इट विल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम अगर स्पर्म है तो स्पर्म दो टाइप के होते हैं हमने पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर में फीमेल्स इन ह्यूमंस आर होमोगेमेटिक एंड मेल्स आर हेटरोगेटिक यानी मेल्स में किसी स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम होगा किसी स्पर्म में वाई क्रोमोजोम होगा सो मेल्स आर हेटेमेटिक बट फीमेल्स आर होमोगेमेटिक यानी कि फीमेल के गैमेट में आपको हमेशा एक्सक्रोमोजोम ही देखने को मिलेगा एन इको सिस्टम इज इको सिस्टम के बारे में इको सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे no. and and मतलब सिर्फ प्लांट और एनिमल्स आएंगे क्या नो डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स अलॉन्ग विद फिजिको केमिकल नो सिर्फ प्लांट एंड माइक्रोब्स नहीं इसमें एनिमल्स भी आने चाहिए ना

सो so, के पास क्या नहीं होगा ब्लास्टोपोर नहीं होगा ब्लास्टोमियर्स होते हैं ब्लास्टोसील ये जो अंदर की कैविटी इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं ये जो सेल्स हैं इनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं और ब्लास्टोडर्म यानी कि ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर तो ये तीनों चीजें होती हैं हमारे ब्लास्टला के पास लेकिन लास्ट वाली लेयर नहीं होती क्योंकि लास्ट लेयर गैस्ट्रूला में बनती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑसिपिटल लोब कंटेन सेंटर फॉर ऑसिपिटल लोब क्या कंट्रोल करता है हमारा विजन देखो मतलब क्या होता है यानी जो आप इमरजेंसी सिचुएशन में लेते हो तो ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है ये एकदम इमरजेंसी वाला सोल्यूशन है रिदम मेथड रिदम मेथड मतलब क्या होता है आपके पीरियड्स के 10 से 17th डे के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करना उसको हम रिदम मेथड बोलते हैं यानी कि ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन के जस्ट बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना तो ये भी सेफ मेथड नहीं है ये भी रिस्की मेथड होता है एम टी पी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन करवाना ये भी रिस्की मेथड है प्रॉपर्टी यानी कि जब आप प्रॉपर्टी इम्प्लांट करवा लेते हो तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल मेथड होता है और रिस्की नहीं होता है सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड विच ऑफ दीज हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पिट्यूटरी हमारे पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है और मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है फॉर सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पल येसिविच हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन देखो प्रोलैक्टिन बोलो या लैक्टोट्रोपिक बोलो दोनों का मतलब सेम है तो ये एक्चुअली आपका बोनस क्वेश्चन है अगर आपने ऑप्शन नंबर थ्री सिलेक्ट किया है तो ये भी राइट है फोर सिलेक्ट किया है तो ये भी राइट है तो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन प्लीज इसका वन मार्क्स आप काउंट कर लो दोनों ऑप्शन राइट है क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है दोनों एक ही हार्मोन का नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन हैमबर्गर शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज हैमबर्गर शिफ्ट में क्या होता है देखो हमने पढ़ा था कार्बन ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप में और इधर ऑक्सीजन रिलीज आएगा एक्चुअली ऑक्सीजन रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप के पाथवे में हमने क्या देखा था जब आपका बाय कार्बोनेट आयन ब्रेक होता है ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है ये जब ब्रेक होता है तो ये जो एक्स्ट्रा एच प्लस आय बनते हैं ये एच प्लस आयन को बैलेंस करने के लिए हम इस कार्बोनेट आयन को बाहर डाल देते हैं और क्लोराइड को अंदर ले लेते हैं तो इसको बोलते हैंमबर्गर फिनोमिनल या क्लोराइड शिफ्ट इन विच जोन ग्रोथ इज नोथ इन नंबर इज मैक्सिम सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां देखने को मिलेगी ऑब्वियसली सेल डिविजन वाले रीजन में क्योंकि उधर ही सेल्स डिवाइड होते हैं नेक्स्ट इन टर्शरी स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट विच टाइप ऑफ डाइजेस्टर क्या बोला गया है हमको जब आप सीवेज ट्रीटमेंट करते हो तो कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्लश डाइजेस्टर में स्लश डाइजेस्टर मतलब क्या होता है जहाँ पे आपके गटर का पूरा पानी डायजेस्ट होता है सो so, कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एनरोबिक क्यूंकि इनको ऑक्सीजन oxygen... राइट right, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया गया है the blood goes to dash when the right ventricle of the heart contracts. मतलब हमें क्या बोला गया है हमारे हार्ट के चार चेम्बर्स है ठीक है तो जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां पर जाएगा राइट right वेंट्रिकल से डी ब्लड आता है और ये ब्लड कहां पर जाता है लंग्स के पास जाता है फिर लंग्स के पास से ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है आपके पल्मोनरी वेन के पास और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा लंग्स के पास सो ऑप्शन नंबर वन इज दी राइट आंसर ये टेबल आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है एक्वेटिक एनिमल्स आर मोस्टली अमोनोटेलिक बिकॉज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया अक्वे अमोनोटेलिक मतलब क्या होता है वो एनिमल्स जिनके पास बहुत ज्यादा वाटर होता है तो वो डायरेक्टली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वन ग्राम अमोनिया डिजोल्व करने के लिए अप्रोसीमेटली फाइव हंड्रेड एम वाटर चाहिए और इतना ज्यादा वाटर तो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के पास ही अवेलेबल होता है सो दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट इज वाई अक्वेटिक एनिमल्स आर अमोनोटेलिक बिकॉज दे कैन डायरेक्टली डिजोल्व अमोनिया एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी डैश इज द ह्यूमन प्रोटीन विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग बैक्टेरियल कल्चर है देखो क्या बोला गया है इसमें से कौन सा प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन है विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग बैक्टेरिया कल्चर्स हैविंग सीडीएनए हीमोग्लोबिन प्रोटीन सी डी एन एज करके नहीं बनाया गया बाकी इंसुलिन प्रोटीन रिकॉम्बिनेशन करके बनाया गया है इंटरफेरॉन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे कि दीज दीज आर आर जेनेटिक इंजीनियर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। बट हमोग्लोबिन प्रोटीन को अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग करके नहीं बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ केमिकल नेम ऑफ हिरोइन और स्मैक आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ा था डाई एसिटाइल मॉर्फिन यानी कि आपका जो ड्रग होता है उसको हम हीरोइन या स्मैक के नाम से भी बोलते हैं और उसका केमिकल नेम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन

लीगल मैथड नहीं है ये रिदम मेथड सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हमको प्रॉपर लीगल मैथड पूछा गया है जिसमें लॉ अप्लाई होता है सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर करेक्ट लेबलिंग फॉर ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग डायग्राम अच्छा चलो लेबल करते हैं वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे दिस इज नथिंग बट एग्जॉन टर्मिनल यानी कि ये का एंडिंग वाला पार्ट है सो ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर में से राइट आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड अपने आप पहले डिलीट हो गया क्योंकि फर्स्ट लेवल ही रॉन्ग दिया गया है सो so, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी आपके पास चार ऑप्शन होते हैं उसमें से दो ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं और जो दो ऑप्शन बचते हैं उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता होता है सो फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इज रिजेक्टेड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर फोर तो ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर फोर दोनों का फर्स्ट लेवल करेक्ट है सेकंड लेवल लेवल नंबर बी सिनेप्टिक वेसिकल आपको डायग्राम पता होना चाहिए तो ये आप पता कर सकते हो सो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट ऑप्शन नंबर फोर में बी का लेवल सिनेप्टिक क्लेफ्ट दिया है दिस इज नॉट सिनेप्टिक क्लेफ्ट सो अब बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर टू सो ऑप्शन नंबर फोर ऑल्सो रिजेक्टेड ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर बाकी ऑप्शन भी चेक करो ऑप्शन नंबर सी सी मतलब क्या होता है अपना सिनेप्टिक लेफ्ट दो न्यूरॉन्स के के बीच बीच का डिस्टेंस ये बीच के डिस्टेंस ये को बोलेंगे सिनेप्टिक करेक्ट ऑप्शन नंबर डी मतलब लेबल नंबर डी डी में क्या बोला गया है दिस इज रिसेप्टर यहाँ पे आपके ये न्यूरो आके कनेक्ट होते हैं सो दिस इज द रिसेप्टर पार्ट यस एंड इज न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी कि आपके सिनेप्टिक वेसिकल से जो केमिकल्स निकल रहे हैं इनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर इनक्रीज ह्यूमिडिटी इन एटमोस्फियर विल डू वॉट आपके एटमॉस्फियर में जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा आपके लीफ में से उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा गर्मी में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है लीफ में से वॉटर ज्यादा निकलता है समर में लेकिन अगर ह्यूमिडिटी है एटमोस्फियर में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आपके लीफ में से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय एस डी नवाज इन लिलियम एंड फर्टिलेरिया स्पीशीज ये तो आपको बचपन से याद है यानी ट्वेल्थ के स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है Is 30%, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है देखो क्या बोला गया 30 दिया है और ग्वाइन का रेशियो फाइंड आउट करने बोला है देखो हमने क्या पढ़ा था कि एडी और ग्वानाइन और साइटोसिन और थान का रेशियो सेम होना चाहिए तो समझो एडी नाइन प्लस एंड नाइन प्लस, प्लस ठीक है तो नाइन कितना बोला है थर्टी परसेंट है तो थाइमिन भी कितना होगा थर्टी परसेंट होगा थर्टी प्लस थर्टी कितना हो गया सिक्सटी परसेंट हो गया टोटल हंड्रेड परसेंट बचा अब इस फोर्टी को टू में डिवाइड कर दो तो ट्वेंटी परसेंट बचा तो ट्वेंटी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट साइटोसिन सो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी मिला के कितना हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा और ये सिक्सटी और फोर्टी मिला के कितना हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा सो so ग्वान का रेशियो कितना बचा ट्वेंटी परसेंट बचा सो ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर न्यूक्लियर फाउंडन देखो हमारा जो फीमेल का एम्ब्रियो सैक होता है यहाँ पे एंटीपोडाल सेल्स को मिलते हैं यहाँ पर सिर्ज और यहाँ पे आपको पोलार न्यूक्लियर देखने को हैं सो पोलार न्यूक्लियर इज फाउंडेन फीमेल गेमैटोफाइड जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं डैश कंट्रोल द फिंग ऑफ द थार आपके थायरॉइड ग्लैंड का कौन फंक्शन कंट्रोल करता है हाइपोथेमस का जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडीनो हाइपोफिस इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड

दो लेयर है इसीलिए इसको हम बोलते हैं बायोटेक्मिक क्या बोलते हैं बायोटेक्मिक एनजीओ स्पॉर्म के ओव्यूल के बाद दो लेयर्स होती हैं एन एंजाइम इन परस्पिरेशन दैट किल्स बैक्टीरिया इज देखो जब आपको पसीना आता है तो हमारे पसीने में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है जो हमारे बैक्टीरिया को किल कर देती है लाइसोजाइम परस्पिरेशन यानी पसीना

से खाना स्टमक, में जाता है, स्टमक से लार्ज इंटरस्टाइन देखो स्मॉल इंटस्टाइन फिर स्मॉल इंटस्टाइन से लार्ज इंटरस्टाइन और लार्ज इंटस्टाइन से एनस ओनली ऑप्शन टू इज द राइट आंसर इफ ए पर्सन डेवलप्स किचन गार्डन इन बैल्कनी एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन साइड ग्लास कंटेनर्स वाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल देखो अगर आप अपने घर पे गार्डन उगा उगाओगे या ग्लास वगैरह में पेड़ पौधे उगाओगे तो इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं बिकॉज इट इट इज डेवलप्ड बाय मैन नॉट यूज सोलर एनर्जी ऐसा जरूरी नहीं है सोलार एनर्जी यूज कर सकते हैं ये बिकॉज प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कटिंग्स इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी प्लांट्स आर डेवलप्ड इन नेचुरल एनवायरमेंट नो अगर नेचुरल एनवायरमेंट में ग्रो होते तो हम इसको आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं हम इसको आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन ने अलग अलग ग्लास और अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको किचन में उगाया घर पे उगाया इसीलिए इसको इंजीनियर टेक्नोलॉजी बोलते हैं यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दे आर मोस्टली डैश वेन हैव द रोल एज बायो फर्टिलाइजर देखो फंगस जब बायो फर्टिलाइजर का रोल प्ले करता है तो ये हमारे प्लांट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है और बदले में हमारा प्लांट इसको फूड प्रोवाइड करता है सो so, एक के बदले में दूसरा काम करना है सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म डायकोगेमी विच हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन इज अ फ्लोरम मैकेनिज्म इन विच देखो डायकोगेमी मतलब क्या होता है जब मेल मेच्योर होगा तो फीमेल मे्योर नहीं होगी जब फीमेल मेच्योर होगा तो मेल मेचोर नहीं होगी यानी अलग अलग टाइम पे मेच्योर होना अ नॉर्मल गुड पर्सनल हाइजीन इन लाइफ स्टाइल कैन प्रिवेंट देखो कैंसर हमारी हाइजीन की वजह से नहीं होता है आर्थराइटिस तो बोन का पेन होता है और ट्यूबर की लॉसिस भी कम्पलीटली हाइजीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है लेकिन अमीबियासिस यानी कि डायरिया लूज मोशन होना ये सब हमारी हाइजीन के ऊपर डिपेंड करता है हम हाथ वगैरह धो के खाना खाएंगे तो हमको डायरिया नहीं होगा लूज मोशन नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया का इनटेक लो होगा इनकेस ऑफ इनकम्लीट डॉमिन कैसा देखने को मिलता है इनकेस ऑफ इनकम्लीट डॉमिन दैट इज सेम फीनो टाइप एंड जीनो टाइप ऑफ वन इज टू टू इज टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एक्सीडेंट पर्सन ब्रेन वॉज इंजोर्ड ड्यू टू विच हि क्यूड नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड वॉटर बैलेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इज ब्रेन Was affected. क्या बोला गया है हमको इधर पे कि किसी ह्यूमन का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर और वाटर बैलेंस नहीं कर पा रहा था मेंटेन तो इसका मतलब उसके बॉडी का कौन सा ग्लैंड डैमेज हो गया है हाइपोथेलामस क्योंकि हाइपोथेलैमस को हम थर्मोरेगुलेटर बोलते हैं थर्मोरेग्युलेटर मतलब क्या होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और वाटर लेवल बैलेंस करता है एनर्जी अक्यूमुलेशन इन एटीपी एस एनर्जी हमारे एटीपी में ये जो तीन फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं

तो इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है फॉरेस्ट बन जाना यानी कि पानी में जो प्लांट ग्रो हुआ है सदियों के बाद हजारों करोड़ों लाखों सालों के बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो छोटे छोटे ग्रासेस है ये किस में कन्वर्ट हो गए बड़े बड़े प्लांट और फॉरेस्ट में सो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल मैन टू सपोर्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ एंड सी ओ टू प्रॉपरली देखो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कब होता है जब हमारे ब्लड का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन यानी कि अप्रॉक्सिमेटली सेवन पॉइंट फोर होता है ड न्यूक्लियस किसमें को मिलता है येस एवरीबडी बेसोफिल्ड में किसमें ऐसे कुछ ट्विस्टेड न्यूक्लियस देखने में मिलता है इन बेसोफिल्ड वॉटर फोन अजोला है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन अलगे कौन सा अजोला एन अलगे के साथ काम करता है एनाबीना के साथ यस हु इंट्रोड्यूस द ओपेरॉन मॉडल फॉर जीन रेगुलेशन इन बैक्टेरिया बैक्टेरिया में जीन रेगुलेशन के बारे में ओपेरॉन मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया जेकब एंड मोनार्ड करके दो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने क्लासिक सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज मलेरिया का क्लासिक सिम्टम क्या है चार चार घंटे में बुखार आती जाती रहती है तो साइक्लिक अकरेंस देखो बहुत सारे सिम्टम्स आपके मलेरिया के सिम्टम्स हैं स्प्लीन में स्वेलिंग हो जाना लिवर में स्वेलिंग हो हो जाना हो जाना शुगर लेवल अप डाउन ये सारे मलेरिया के कुछ सिम्टम्स हैं लेकिन इसमें से जो स्पेसिफिक सीक्वेंस मलेरिया में देखा जाता है हर तीन घंटे में बहुत जोर से बुखार आती है एफ वन पार्टिकल्स कंसिस्ट एफ वन पार्टिकल्स किधर प्रेजेंट होते हैं समझो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे हैं तो इस क्रिस्टे में ये जो क्रिस्टे वाला पार्ट है इस क्रिस्टे के ऊपर आपके ऐसे छोटे छोटे एफ वन पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं याद आया आपको तो दीज आर नथिंग बट इट कंटेन्स हेड बेस एंड स्टॉक हमारे एफ वन पार्टिकल में क्या होता है हेड बेस एंड स्टॉक तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर इधर तक समझा सबको पक्का ऑल राइट तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया गया है टाइलिन ऑफ सलाइवा एक्ट्स इन देखो टाइलिन इज नथिंग बट योर अमाइलेज एंजाइम और अमाइलेज एंजाइम कौन से पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है एसिडिक पीएच दैट इज मतलब नियर न्यूट्रल सो पे हमारा सलाइवा काम करता है ओके नियो न्यूट्रल लेकिन ये सलाइवा जैसे, जैसे 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 ये अमाइलेज एंजाइम स्टमक के पास जाता है बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाती है तो फिर ये सलाइवरी अमाइलेज डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर हमारे स्टमक के एंजाइम्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बाई टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओके एडीनाइन एंड थाडीनाइन और बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ग्वानी एंड साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सो ऑप्शन नंबर टू थ्री फोर आर रॉन्ग ओनली ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट क्रॉ पॉलिनेशन इज ऑल्सो कल्ड एस क्रॉस पॉलीनेशन मतलब क्या होता है दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन कराना यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है एलोगी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो इसमें सिंगी मतलब क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल तो सिमी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम हम पोलिनेशन की बात कर रहे हैं इधर पे सेक्शुअल या असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है वी आर टॉकिंग अबाउट पोलिनेशन तो पॉलिनेशन में सिनगैमी नहीं आएगा होमोगेमी यानी सेम स्पीशीज या सेम गैमिट मेल मेल फीमेल फीमेल और ऑटोगैमी मतलब स्टैंडर्ड so, right में पढ़ा था कि हमारे ब्लड में से जितने शुगर एंड अदर थिंग्स वो आगे जाके किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए चले जाते हैं लेकिन जो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आगे नहीं जा पाते वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पीछे ही रह जाते हैं सो फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है हमारे ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस चीजें फिल्टर होंगी वही चीजें आगे जाके डिटॉक्सीफाई होंगे ओके सो द फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग द पेनिस इज नोन एज वॉट हमारे पेनिस के ऊपर ये जो स्किन प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं प्रफ्यूज येस नेक्स्ट क्वेश्चन गिब्रोलिक एसिड प्रोड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स इंडर शॉर्ट डे कंडीशन मतलब एसिड क्या करता है कुछ फ्लावर्स जिनको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होती है उन फ्लावर्स में अगर हम गिब्रिलिक एसिड इंजेक्ट करेंगे तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट डे बना देता है यानी कम लाइट में भी उसको ग्रो करा कर करवा देता है एग्जॉन पार्ट ऑफ एम आर एन ए हैज कोड फॉर ओके देखो हमारा जो एम आर एन ए बनता है इसमें से कुछ पार्ट का कुछ आ, कुछ रीजन्स को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं इन रीजन को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं ओके okay? और जो कोडिंग वाला पार्ट होता है उनको हम एग्जॉन बोलते हैं सो दीज आर दी एग्जॉन वाला पार्ट तो so एग्जॉन वाला पार्ट क्या करता है प्रोटीन के लिए कोड करता है लेकिन इंट्रॉन वाला पार्ट किसी के लिए कोड नहीं करता सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर बैक्टेरिया फॉर्ज अटैचमेंट टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ बैक्टेरियल सेल अकर्स विद इन क्या बोला गया है हमको इधर पे बैक्टेरिया फॉर्ज अटैचमेंट

राइट आंसर एंड बेस पीस इज ऑल्सो नॉट दी राइट आंसर ओनली ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर फ्यूनिक्यूल कनेक्ट टू एन ओव्यूल विद टिश्यू ऑफ ओवरी कॉल्ड ओके हमारा जो फ्यूनिकल होता है ये फ्यूनिकल किससे कनेक्टेड है देखो ये अपना फ्यूनिकल वाला पार्ट है ये अपना फ्यूनिकल एक मिनट रुको ये अपना फ्यूनिकल वाला पार्ट है और ये फ्यूनिकल किससे कनेक्टेड है ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है ये देखो ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है दिस इज द फ्यूनिकल एंड दिस इज द प्लेसेंटा सो फ्यूनिकल इज कनेक्टेड टू ये देखो ये ऐसा अपना ओव्यूल रहता है ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है और ये ऐसे प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है दिस इज द प्लेसेंटा ओके सो ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर मेंडल इज फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था पीसम सटाइवम रेफर टू द गिवन फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट लेबल्स देखो ऑप्शन नंबर ए इज डीएनए ऑप्शन नंबर बी इज एच वन हिस्टोन पहले जो जो आता है वो हमेशा लिख के ले लेने का और फिर बाद में आंसर टिक करने का आंसर अगर डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे क्वेश्चन देखने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज नथिंग बट योर न्यूक्लियोजोम कोर कॉम्प्लेक्स या हिस्टोन ऑक्टामर क्या बोल सकते हो आप इसको इसको आप हिस्टोन ऑक्टामर बोल सकते हो यानी कि चार हिस्टोन प्रोटीन से जो बनता है सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर एच वन हिस्टोन एंड ऑक्टामर द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड फ्रॉम बैक्टेरिया इकोलाई इज इकोलाई बैक्टेरिया से सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर किया गया था इको आर वन जो थारॉय ग्लैंड से बनता है पीटीएच पैराथायर हॉर्मोन क्या करता है बोन का कैल्शियम ब्लड में डिजोल्व करता है और टीसीटी क्या करता है ब्लड का कैल्शियम बोन में डालता है दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं तो पीटीएच क्या करता है इट इंक्रीजेस ब्लड लेवल ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाता है बोन का कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा इन पीटीएच और टीसी टी थारोल्सिटोनिन क्या करता है ये ब्लड का कैल्शियम बोन में भर देता है तो थाइरो कैल्सिटोनिन इज गुड पीटीएच इज नॉट गुड क्योंकि थाइरो कैल्सिटोनिन की के वजह से बोन्स में कैल्शियम जाएंगे तो बोन स्ट्रांग होगी हाउ मच टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड देखो हमने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा था वाटर की मदद से यानी प्लाज्मा की मदद से थ्री परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है और हीमोग्लोबिन की मदद से नाइनटी सेवन डेज नॉट क्रोमोजोमलबोर में हमने क्रमोजोमल डिफेक्ट के बारे में पढ़ा डिलीशन डुप्लिकेशन इन्वर्जन ट्रांसलेन ये चार क्रमोजोमल एबरे हमने पढ़े लेकिन इसमें से ट्रांसवर्जन हमने कहीं नहीं पढ़ा सो इट इज दन आउट स्टैंड फॉर थायर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन रैपिड डिक्लाइन इनपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टैलिटी रेट इज क्या बोला गया अगर सडनली आपका पॉपुलेशन नीचे जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्रैश यानी अचानक से लो हो जाना डैश इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप डोनर कौन होता है ओ और रिसीवर कौन होता है ए बी सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर प्रोसेस अगर आप ऑप्शन नंबर टू सिलेक्ट करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स का सीक्वेंस फॉलो करना है पहले डोनर पूछा है तो पहले डोनर वाला ऑप्शन आना चाहिए फिर रिसीवर पूछा है तो फिर रिसीवर वाला ऑप्शन आना चाहिए सो सीक्वेंस शुड बी एंड वन एंड सॉरी मतलब ओ एंड ए बी मतलब अगर आप पासवर्ड में वन टू जीरो ऐसा पासवर्ड है सो so, आप वन जीरो टू डालोगे तो पासवर्ड खुलेगा क्या मतलब लॉक खुलेगा क्या नहीं खुलेगा सो सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस बाय विच ओवा आर मेड इज कॉल्ड एज वर्ट एग कैसे बनता है फीमेल का एग कैसे बनता है ऊ प्रोसेस के वजह से सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एक्सु कंजर्वेशन एक्स सी टू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है नेचुरल एनवायरमेंट से दूर लेके जाके कहीं और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अपने एनिमल्स को प्रिजर्व करना या नेचुरल प्लांट्स को प्रिजर्व करना तो ऑप्शन नंबर इज इज द राइट आंसर दैट सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है व्हाट कैन बी द रीजन इफ अ सीड फेल्स टू जर्मिनेट अंडर सुटेबल नेसेसरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो अगर सीड जर्मिनेट नहीं हुआ सो व्हाट कैन बी द रीजन द सीड माइट बी डोरमेंट द सीड माइट नॉट बी वायबल द सीड कैन बी वायबल बट ड्यू टू इनसफिशिएंट लाइट और इनसफिशिएंट वाटर और एनी वन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज मिसिंग सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है सो so, किसी भी एक्स वाई जेड रीजन के वजह से अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो प्लांट नहीं डेवलप होगा सो एनी ऑफ दिस कैन बी द रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरालल बिकॉज ऑफ देखो डीएनए स्ट्रैंड किसके वजह से एंटी पैरालल होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के वजह से यानी कि आपके दो न्यूक्लियोटाइट के बीच में आपके दो न्यूक्लियोटाइट के बीच में जो यहाँ पर यह फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड होता है इसके वजह से हमारा डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरल होता है एक डीएनए स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में दूसरा डीएनए स्ट्रैंड इस डायरेक्शन

Living state is a non equilibrium steady state. This is also right. Okay. So, only option number one is the wrong statement. Starting from the day of menstruation, that is the time of.

थाइरॉयड ग्लैंड के हार्मोन के वजह से होता है यानी थायरोक्सिन हार्मोन के वजह से होता है लेकिन आयोडीन की कमी के वजह से सिंपल गोएटर होता है एक्स ऑप्थालमिक गोएटर भी हमको हाइपर ये क्या बोलते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म में देखा जाता है यानी थायरॉयड ग्लैंड जब बहुत ज्यादा सेक्रेट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल डैश बैसिलोस्थ है हम कौन से टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर इंसेक्ट का कोई असर नहीं होता यानी कि इंसेक्टिसाइडल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स लाइक like ब्यूटी कॉटन ओके डैश फिक्सेस नाइट्रोजन इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है देखो ईस्ट फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है टोबैको मोजेक वायरस ये हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पढ़ने में हेल्प करता है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया हमारे नाइट्रोजन को ब्रेक करेगा या अमोनिया को ब्रेक करेगा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा नॉस्टॉक हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन एन एंटीवाइगुलेंट प्लेजेंट इन प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन ब्लड एज कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस एंटीग्वैगुलेंट है यह हमने पढ़ा है बहुत बार पढ़ा पढ़ा है है हिपेरिन हिपेरिन क्लास चैप्टर में भी हमने था क्या करता है? का काम करता है तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर ओडिमा कंडीशन मीन्स ओडिमा मतलब क्या होता है ओडिमा यानी स्वेलिंग ऑफ दी ऑर्गन्स तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जब स्वेल होने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओडिमा यानी कि वाटर स्टोर होने के वजह से एक्सेस पोटेशियम और एक्सेस वाटर स्टोर होने के वजह से आपके पैर स्वेलिंग हो जाता है घुटने में स्वेलिंग हो जाता है हाथ के पाम्स वगैरह स्वेल होने लग जाते हैं जब एबनॉर्मल फ्लूड लेवल इंक्रीज हो जाता है द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट इज हमारी फीमेल गेमेटोफाइट के फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं मेगा मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है और ये दोनों तो मेल है ठीक है पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज वॉट समझो सेम प्लांट के फ्लावर्स है लेकिन अलग अलग फ्लावर्स है ये एक फ्लावर है ये दूसरा फ्लावर है तो इसको नेबरिंग फ्लावर्स के बीच का पॉलिनेशन बोलेंगे सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिटोनोमी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ बीओडी ऑफ द सैम्पल वाटर इज वेरी हाई देन इट इज सेट टू बी मोर पॉल्यूलेटेड पॉल्यूटेड बिकॉज बीओडी मतलब क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में ग्रो हो रहा है तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म रहेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी सो तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म है मतलब उतना ज्यादा पानी गंदा है यानी उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है सो हाईली पोल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और इसको हम बोलते हैं हाईली पोल्यूटेड वाटर द एक्शन ऑफ बाइल ऑन फैट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाई विच वर्ड बाइल ऑन फैट्स देखो फैट्स को अगर ब्रेक डाउन करना है तो हम क्या करते हैं इमल्सिफिकेशन करते हैं क्योंकि बाइल जूस क्या करता है लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है बाइल जूस खुद कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम करता है सो ब्रेक डाउन ऑफ फैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन द फंक्शन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन सैक पोल इज ये तो आपको आग बन करके भी याद होना चाहिए टेप्टम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग प्रोरोजिनस टिश्यू ए प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस टी देन इट इज नोन एज वॉट देन इट इज नोन एज डबल स्टैंडर्ड डी एन एन की प्युर अपॉन पिराडीन का रेशियो इक्वल होना चाहिए ओके नेक्स्ट डैश इज नॉट टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो ये चारगाफ रूल है यार ये चारगाफ रूल है ओके okay. इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग का टूल नहीं है देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वी नीड फॉर एन डी एन ए वी नीड वेक्टर्स वी नीड एनजाइम्स ये तीनों यूज करके हम जो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है तो इसको टूल थोड़ी बोलेंगे ये तो हमारा एंड रिजल्ट है सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर इट इज नॉट द टूल इट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अर्लियर द पेटेंट वर ग्रांटेड ओनली फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेंशन इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ भी नया इन्वेंशन होता था तो उनको ही पेटेंट दिया जाता था सबको पेटेंट नहीं मिलता था क्रॉसिंग ओवर नेवर टेक्स प्लेस इन नॉन होमोलोलोग पार्ट ऑफ सेक्स क्रोमोजोम समझो ये आपके सेक्स क्रोमोजोम का नॉन होमोलोगस पार्ट है इधर पे अनिकवल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम के जीन्स अनइक्वल होते हैं इधर ज्यादा है इधर कम है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होती एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोगोन आर एंटागोनिस्टिक इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज लेवल कम करता है ग्लूकोगोन क्या करता है ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है सो so, दोनों अपोजिट काम करते हैं सिनर्जिस्टिक मतलब क्या होता है सेम काम करना ओके okay, एंटागोनिस्टिक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेगा द रेट ऑफ हार्ट बीट इज लोड डाउन बाय हमारा हार्ट बीट फास्ट करने का काम कौन करता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और उसको स्लो करने का काम कौन करता है पैर नर्वस सिस्टम बुक में ब्लू टेबल दिया है उसमें यह दिया हुआ है निमोनिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन तो उन्होंने हमको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था डैश इज अव वर्ल्ड मंकी आपका जो स्पाइडर मंकी है ये आपके न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल है द अल्फाग्लोबिन चेन इज इनकोडेड बाय विच जीन प्रेजेंट ऑन द्रोमोजोम नंबर

अगर समझो कि एक ही जगह पे एक ही खाना है और उस खाने के लिए दो सेम लोग लड़ रहे हैं मतलब एक ही जगह पे रहने वाले एक ही घर में रहने वाले दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं सेम मोबाइल फोन के लिए तो ऐसे टाइप के कॉम्पिटिशन को हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक यानी सेम स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होना जेड जेड एंड जेड टप्लू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन बर्ड्स और बर्ड्स में से इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा ओनली ऑप्शन नंबर टू

डैश इज नॉट फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस देखो ग्लाइकोलिसिस में हमको एंड एंड के स्टेप में जहाँ पर आपका क्या बोलते हैं इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो उधर पे हमको एनए टू प्लस ए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ओके फायरुविक एसिड भी बनता है ग्लाइकोलिसिस में ए भी बनता है बट एनए नहीं बनता है एनएडी पी में बता है सो दिस इज द रोंग ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन

डिस्कवर्ड द रेस्ट्रिक्शन एनजाइम आपके टेक्स्ट बुक में रेस्ट्रिक्शन एनजाइम वाले पेज में ग्रीन बॉक्स में दिया गया आर्बर स्मिथ एंड नेथन इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर रेस्ट्रिक्शन एनजाइम डिस्कवर किया था डिपोजिशन ऑफ कोलेट्रॉल इन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज नोन एज अथेरोसिस और आर्टेरियक्रोसिस मतलब क्या होता है जब आपकी आर्टरीज इन इलास्टिक हो जाती है ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर फॉर डिपोजिशन ऑफ कोलेट्रॉल नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज सिमिलर इन फंक्शन टू कॉपर्स ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड में मेल्स में पा, पाए जाते हैं और ये क्या रिलीज करते, है? करते हैं लुब्रिकेटिंग फ्लूड रिलीज करते हैं ठीक इसी तरीके से फीमेल्स में बार्थोलिन ग्लैंड देखने को मिलते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं ये भी लुब्रिकेटिंग फ्लूड रिलीज करते हैं तो दोनों अलग अलग ह्यूम्स में पाए जाते हैं मेल और फीमेल बट दोनों का फंक्शन सेम है तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर आई होप आपको आपके सारी क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन मतलब बेसिक्स बेसिक्स रिवाइज करो ठीक है आपके बुक में जो ब्लू बॉक्स है ग्रीन बॉक्स है वो रीड करके जाओ एकदम बेसिक्स रिवाइज करो अच्छा जाएगा पेपर पक्का अच्छा जाएगा ठीक है ऑल द बेस्ट एवरीबडी बाय बाय टेक केयर सी यू सून